Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. मैं हूं अमित। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डन गेज के इस बैग के बारे में, जिसका नाम है क्लिफ बैकरेस्ट बैग। सो देख सकते हो काफ़ी यूनिक सा बैग है। तो कितने प्राइस का है, कहां से ले सकते हो, क्या क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, क्या क्या स्टोर कर सकते हो और क्या पर्पज़ के लिए है ये बैग, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, सो आप देख सकते हो दिस इज़ द गार्डन गेज क्लिफ बैग। तो देख सकते हो सामने की तरफ आपको ये जिप मिलते हैं, वाई के यू शेप में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको गार्डन गेज का लोगो दिया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन लगता है, ब्लैक एंड ऑरेंज का। एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस लोगो, जो मुझे काफ़ी पसंद है। सो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट वन। तो ये पर्सनली मेरा फेवरेट लोगो है इस ब्रांड का। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3M रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे सिल्वर कलर का। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल है, कुछ खास नहीं है इस बैग में। एज सच बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हो काफ़ी स्टडी बना है कैनवस मटेरियल, ऑल दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेके। बाकी जो इसके स्ट्रैप्स हैं काफ़ी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के हैं, बिकॉज इसके ना आप टूल्स वगैरह रखते हो तो काफ़ी हैवी हो जाता है बैग। तो दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रैप्स दिए हैं, एंड काफ़ी लंबे अच्छे लेंथ के स्ट्रैप्स हैं। तो ये वेलक्रो भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लेंथ का दिया हुआ है, एक दो वेलक्रोज एंड ये तीन वेलक्रो दिया हुआ है। साइड में भी यहाँ पे डी रिंग्स दिए हैं, साथ में स्ट्रैप्स दिए हैं। तो कुछ इस तरह से इसको लगाना होता है। तो बेसिकली ये जो बैग है आपका एज अ टेल बैग की तरह काम करता है। इसकी कैपेसिटी अराउंड 3 to 5 liter है, जो कि आई थिंक मोर देन अनफ टू स्टोर ऑल दी योर नेसेसिटी आइटम्स। तो यहाँ पे आप अपने टूल्स रख सकते हो, अपना फर्स्ट एड किट रख सकते हो, बाकी छोटी मोटी चीज़ें गॉगल्स वगैरह रख सकते हो। दिस इज़ अ वाटर प्रूफ कवर फॉर दिस बैग। बाकी आप अंदर देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलता है 6 month की वारंटी मैन्युफैक्चर की तरफ से। तो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है इस प्रोडक्ट में, तो आप इसको रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकते हो। और इसके साथ आपको ये एक स्टिकर मिलता है गार्डन गेज का। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, लेट्स सी किस तरह से ये बैग इंस्टॉल होता है। तो सिंपल आप देख सकते हो वेलक्रोज पे है, तो काफ़ी ईजिली लगेगा। बस आपको ये वेलक्रोज का ध्यान रखना है किस तरह से लगेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इस तरह से घूम के जाएगा एक लूप होके, तो कुछ इस तरह से ये लगेगा। और पीछे ये लगेगा एक वेलक्रो इस तरह से, और दूसरा वेलक्रो यहाँ पे लगेगा। बाकी जो स्ट्रैप्स हैं आपकी ग्रैब रेल से अटैच हो जाएंगे। तो मैं लगा के दिखाता हूँ किस तरह से लगाते हैं इसको। तो चलिए इंस्टॉलेशन कर लेते हैं इसका जल्दी से। ऑलराइट गाइस, सो अभी देख सकते हो मैंने ये प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया अपने बाइक के टेल सेक्शन में। बेसिकली ये जो ग्रैब रेल्स होते हैं वहाँ पे इसको अटैच करना होता है, तो काफ़ी इजीली यहाँ पे लग जाता है। एंड पूरा वेलक्रोज से सिस्टम है। सो यहाँ पे स्ट्रैप्स भी दिए हैं, जो कि आपको डी लूप्स को राउंड करते हुए लगाना होता है। तो ये प्रॉपरली टाइट बिल्कुल फिट हो जाता है, इसके अंदर कहीं पर भी मूव नहीं होता। और इसके अंदर मैंने चीज़ें रख ली हैं, तो अब इसको मैं कुछ दिन राइड करूँगा, यूज़ करूँगा, और फिर आपको एक अपना एक जेन्युइन फीडबैक दूंगा कि किस तरह का ये प्रोडक्ट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में और सारी डिटेल क्या क्या है। तो सामने की तरफ आप देख सकते हो ये है कैनवस मटेरियल, जो कि हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, एंड काफ़ी अच्छा वाटर रेपेलेंट भी होता है। तो वाटर इसके ऊपर गिरने पे थोड़ी बहुत बारिश में ये आसानी से मतलब सेफ कर लेगा आपके जो भी चीज़ें होंगी अंदर। बट हैवी रेन के टाइम ऑफकोर्स आपको चाहिए एक रेन कवर। तो अब कंपनी इसके साथ रेन कवर प्रोवाइड करती है, तो साथ में इसके रेन कवर मिलेगा, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा किस तरह से इसको लगाना होता है। बाकी आप साइड से देख सकते हो कितना बड़ा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, लगभग 3 to 5 liter की पूरी इसकी कैपेसिटी है। एंड इसमें आप सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप राइड पे जा रहे होते हो तो वहाँ पे रख सकते हो। बेसिकली जो चीज़ आप टैंक बैग पे नहीं रख सकते वो चीज़ आप इसमें स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको चेन क्लीन करना है तो आपको अपना टैंक बैग में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको खोल के और अपना कर सकते हो। तो आपको पता है कि सारा चीज़ टूल्स इसके अंदर है, सारी मेंटेनेंस वाली चीज़ें इसमें हैं, काफ़ी ईजिली आप सारा सामान स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। तो ये इसके साथ कवर होता है, जो मैं अभी थोड़ी देर में लगा के दिखाऊंगा किस तरह से लगाते हैं इसको। ये पूरा टूल किट जो होती है रॉयल एनफील्ड की इसके साथ मिलती है। बाकी इसके अलावा गॉगल्स मैं रखता हूँ इसमें, वाटर बॉटल्स कभी कभी, तो वाटर बॉटल्स हैं यहाँ पे। ये चेन ल्यूब है ल्यूकी मॉली का,
तो ये मैंने इसमें रखा है। तो ये वायरलेस इन्फ्लेटर है जो मैं कैरी करता हूँ जब भी राइड पे जाता हूँ। बाकी पॉलिश, ये हैंड सैनिटाइज़र है क्लेंजर का, और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं हमेशा। तो लगभग 2 वीक से मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी कन्वीनियंट रहता है ये सारी चीज़ें कैरी करने में। अब रेन कवर देख सकते हो, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे पीयू कोटेड इसके ऊपर मटेरियल मिलता है और 100% आपको वाटरप्रूफिंग देगा। जब भी बारिश हैवी होगी, हैवी रेन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको सिंपली इस तरह से इसको पहनाना है, पूरा बैग कवर हो जाएगा नीचे से एंड साइड से। दोनों वेलक्रो वाला चीज़ इसी में दिया हुआ है। अब इसको कैसे करना है, आपको बस सिंपली ये जो है इसे लूप करना है। तो इस तरह से ये लूप किया एंड यहाँ से ये इसके ऊपर लगा दिया। तो ये कुछ इस तरह से पूरा लग जाएगा एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर है, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर दिया है। एंड आई थिंक अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको शायद दूसरा कलर भी मिल सकता है, डिपेंड करता है सेलर के ऊपर कि वो कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहा है आपको। सो ये मुझे मिला है फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर, मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला, एक्चुअली काफ़ी सही है। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं एंड जब भी बारिश ख़त्म होती है बस आपको इसको फोल्ड करके अपने इस बैग में कैरी कर सकते हो। सो फॉर 800 रुपीज़ आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट प्रोडक्ट। तो काफ़ी सही चीज़ है, मतलब आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको बैग जो मिलते हैं टेल सेक्शन पे लगाने वाले छोटे बैग्स, उन पे लेदर की कोटिंग होती है या फॉक्स लेदर जैसे चीज़ होती है जो कि पानी से काफ़ी ईजिली ख़राब हो जाते हैं। बट ये वाला चीज़ है काफ़ी ड्यूरेबल है, वाटर रेजिस्टेंट एंड वाटर प्रूफ है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है क्योंकि आपको इसके साथ रेन कवर मिलता है तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी बारिश में भी आपको इसको यूज़ करने के लिए। सो इट्स मोर और लेस लाइक अ टूल बैग फॉर योर आरी बाइक्स। बाकी क्लासिक, स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रा, जावा, हार्ली डेविडसन, एवेंजर 220, ऐसे बाइक्स पे आप ये लगा सकते हो, काफ़ी इजीली ये सेटअप हो जाएगा। बेसिकली जहाँ पे भी आपका जो रेयर सीट होता है और टेल लाइट में बीच में अगर डिफरेंस है तो ये बैग वहाँ पे फिट हो सकता है आराम से। ऑल्सो साइड पे भी लग सकता है फॉर योर स्कूटर्स, जहाँ पे भी आपको साइड गार्ड रेल्स होते हैं वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बैग इन हाउस प्रोडक्शन है गार्डियन गेज का, सो इट्स कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया एंड आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरीवन जो आरी बाइक्स ओन करते हैं, उनके लिए काफ़ी सही है। मतलब आप सिटी राइड्स में ऐसे छोटी मोटी राइड्स के लिए जाते हो तो यहाँ पे आप अपना सारा टूल बॉक्स, सारी मेंटेनेंस वाली चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो, फर्स्ट एड किट इंस्टॉल कर सकते हो। तो उस पर्पस के लिए काफ़ी सही बैग है ये। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इससे पहले मैंने काफ़ी सारे गार्डन गेज के टैंक पाउचेस भी रिव्यू किए हैं, सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑल्सो वीडियो के एंड पे भी आपको कार्ड्स शो हो जाएंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दूँगा इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सो अगर आप ये लेना चाहते हो तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको इस तरह से मिल जाएं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग मोडिफाइड व्लॉग्स, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड बाय बाय।